पांचवी क्लास के अंदर थी, कच्चा ग्राउंड था प्रीतम गर्ल्स में, तो वहीं इसका स्कूल था। वहीं ग्राउंड में कोच बलदेव सिंह जी बच्चों को खिलाते थे। तो हम गरीब परिवार से थे, हमारे को अनपढ़ता भी थी न हमारे को ये पता था भी हॉकी है क्या चीज़। तो इसने कई दफ़ा जिद किया, हमने इसको बहुत रोका भाई बेटे हम हॉकी नहीं खिला पाएंगे, लेकिन इसने जिद बना ली कि मैंने हॉकी खेलनी है। सर ने इसको जवाब दे दिया कि हॉकी नहीं खेल पाएगी, क्यों कि इसकी सारे पर तो आप डाइट नहीं पका सकते, दूसरा एक कमज़ोर डेर है जो हॉकी नहीं खेल पाएगी। चलो उनकी मिन्नत खुशामद करी भी, चलो आप दो चार दिन देखो इसको, अगर ठीक रहेगी तो रख लेना, नहीं तो आपकी मर्जी है। चलो जी भेजनी ये शुरू कर दी, तो उसके बाद चलती रही, आज कुछ कल को कुछ, दिन पर दिन बढ़ती चली गई। तो जो कुछ भी है हम तो यही चीज़ कहेंगे भाई, मेहनत बच्चे की है लेकिन गुरु की इससे ज़्यादा मेहनत है जिसने यहाँ लग पहुँचाई। आज वही लड़की है जो किस मुकाम के पर पहुँच रही, हमारे को भी खुशी है, देशवासियों को भी खुशी है, शहरवासियों को भी खुशी है। तो हम तो यही चीज़ कहते हैं कि बच्चा सबका ऐसा हो, और लड़कियां तो खास करके ऐसी होनी चाहिए जो अपने देश का भी नाम रोशन करें, अपने घर का भी नाम रोशन करें, दुनिया में अपना भी नाम करें। तो ऐसे बच्चे सब क्यों